घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। अर्जुन को पुष्पराज बनने में क्या है पुष्पराज के सिग्नेचर स्टेप की पीछे की स्टोरी कि पुष्पा के साथ हुआ अल्लू अर्जुन का भी राइज। बॉलीग्राम स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज के बारे में और पुष्पराज के फेमस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने सभी का दिल जीत लिया है, बॉक्स ऑफिस हो या सोशल मीडिया या फिर फिल्मी न्यूज चैनल्स, हर जगह पुष्पा द राइज की ही तारीफें हो रही हैं और सभी उनके परफॉर्मेंस और पुष्पराज के इंटेंस लुक की तारीफें कर रहे हैं। पुष्पराज का जो लुक है कर्ली बालों के साथ और थिक मूछे और दाढ़ी के साथ, वो ऐसा है जो उनके किरदार के बारे में काफी कुछ बयां करता है। अल्लू अर्जुन की एक खास बात यह है कि वो अपने किसी भी किरदार की ओर अपना पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं और पूरी तरह उसमें खो जाते हैं। साथ ही पुष्पा राज के आइकॉनिक लुक का पूरा क्रेडिट उनकी प्रोस्थेटिक लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह डिसूजा को जाता है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज ट्रांसफॉर्मेशन में रोज 2 घंटे का वक्त लगाया था। अल्लू अर्जुन को बड़े ही धैर्य पूर्वक 1.5-2 घंटे तक एक ही चेयर पर बैठना पड़ता था और कभी कभी तो 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता था, क्योंकि परफेक्ट स्किन टोन लाना और फेशियल मेकअप करना और कभी कभी उनका फुल बॉडी मेकओवर भी करना होता था, तभी जाकर पुष्पा राज का लुक सामने उभर कर आता था। दोस्तों पुष्पा राज के लुक के साथ उनका आइकॉनिक डायलॉग पुष्पा पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं और उनका सिग्नेचर हैंड मूवमेंट काफी वायरल हुआ था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेटर्स ने और साथ ही उनके फैंस ने इस पर काफी वीडियोस और रील्स बनाए हैं। इस स्टेप के पीछे डायरेक्टर सुकुमार का कहना था कि वो ऐसे ही सिग्नेचर स्टेप की तलाश में थे जो फिल्म का हीरो बार बार करता है और जिसमें उनके किरदार की भी झलक हो, और सेट्स पर उन्होंने अल्लू अर्जुन को एक हैंड मूवमेंट बार बार करते हुए देखा था। फिर उन दोनों ने मिलकर उसको आजमाया और साथ ही डायलॉग के साथ सिंक भी हो रहा था, और ऐसे इन दोनों डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी ने यह आइकॉनिक सिग्नेचर स्टेप फाइनल किया। दोस्तों पुष्पा फिल्म अल्लू अर्जुन की बेस्ट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म के बाद बैक टू बैक उनकी फिल्में आने वाली हैं और उनका शेड्यूल जिम पैक्ड है। अभी तो वो पुष्पा 2 की शूटिंग में बिजी है, यह फिल्म 2022 के एंड तक बनने वाली है और उसके बाद वेणु श्रीराम की फिल्म आइकॉन की फिल्मिंग शुरू करने वाली है। उसके बाद वो पोरताला शिवा की भी एक बिग बजट अनटाइटल फिल्म में भी फीचर होने वाले हैं। केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ भी एक्टर कोलैबोरेशन करने वाले हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि हम अल्लू अर्जुन को सिल्वर स्क्रीन पर देखते ही रहने वाले हैं। आपको अल्लू अर्जुन की ऑन स्क्रीन किसके साथ जोड़ी अच्छी लगती है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, जाते जाते करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।